मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान का लास्ट साथ में कौन सी रील आई थी, कौन से गाने पे उन्होंने रील बनाई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि अब जो है अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी की जुदाइयां सॉन्ग के ऊपर एक रील आ चुकी है। ये एक ब्रेकअप सॉन्ग आप लोगों को तो पता ही है, और ये रील कैसी लगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर इसमें काफ़ी सारी गॉसिप भी है जो कि हम लोग करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और तो और भाई, मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, KHOOSHIRUH, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके रील देखो मेरी भी, मज़ा आएगा क्योंकि आप लोग कमेंट करने के लिए मजबूर ही हो जाओगे। मनीषा ने मतलब कि जुदाइयों को बहुत ही ज़्यादा फील किया और इसके ऊपर सॉन्ग बनाया, रील बनाई, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे दोनों, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। ऐसा कौन रोता है, अभिषेक जो है फुकरा इंसान ऐसा रो रहे थे और ये ऐसा ऐसा कर रही थी, एक दूसरे को मार रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा वो बॉन्ड जो कि एक्चुअली में जिसको आप लोगों ने बिग बॉस में पसंद किया, वो बॉन्ड जो है इस रील वीडियो में देखने के लिए मिला, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। पर बात करने की तो बात होती है, तो जिसमें बात होती है उसी की तो बात होती है। तो यहाँ पर जो है कैप्शन क्या दिया है, गॉसिप तो अब स्टार्ट हुई है, लास्ट तक ज़रूर देखना। कैप्शन क्या है इस रील का, टॉम एंड जेरी एकदम ओवर एक्टिंग की दुकान लग रहे, दोनों ही ओवर एक्टिंग की दुकान लग रहे हैं, ये बात जो है कर दी है अभिषेक मल्हान ने। अब ये जो रील है ये अभिषेक ने डाली है, पर इसमें मनीषा रानी है, पर मनीषा रानी ने अभी तक अपने इंस्टाग्राम पे इस रील को डाला नहीं है। क्यों नहीं डाला है आप लोगों को मैंने बता दिया है, क्योंकि नेहा कक्कड़ का भी रील नहीं डाला है, इसका रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है। तो इसके बाद क्या लिखते हैं, थैंक यू सो मच एवरी वन शावरिंग लव ऑन माई न्यू सॉन्ग जुदाइयाँ, और साथ में पांडा गैंग का सिंबल, गो मेक योर रील ऑन जुदाइयाँ, और टैग किया इन्होंने, पता है मनीषा रानी को भी टैग नहीं किया, प्ले DMF को टैग किया, अंशुल को टैग किया, राघव को टैग किया। अब ना तो इसके सिंगर को टैग किया, ना तो को स्टार जिया शंकर को टैग किया, ना तो जिसके साथ रील बना रहे हैं उनको टैग किया। अब ये बात है कि जो अभिषेक है ना भाई, अभिषेक ने बोला कि अगर मैं दोनों को टैग करूँगा तो बातें चलने लग जाएगी कि इसके कमेंट्स ज़्यादा, इसके लाइक ज़्यादा, फिर ऐसे फैन वॉर होगी, फैन वॉर होगी। उस चक्कर में उसने किया ही नहीं। अब जो है बातें ये भी हो सकती हैं कि मनीषा रानी को ये टैग ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए टैग नहीं किया, आखिरकार क्यों करे ये टैग। जिया शंकर को टैग नहीं किया है तो लोग ये भी बात बोलेंगे, हाँ अच्छा है जिया को नहीं किया, जिया को वैसे भी टैग नहीं करना था, जिया ना इसके ऊपर रिएक्शन देती, ना अपनी ये वाली वीडियो, रील वीडियो जो है अपने इंस्टाग्राम पे डालती, ये भी बात है। पर अगर उन दोनों को टैग कर देते तो बातें होती, तो लोग ये बात बोलते कि अभिषेक ना दोनों का फ़ायदा उठा रहा है, देखो देखो अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा करने के लिए दोनों का फ़ायदा उठा रहा है। अब जब उसने टैग ही नहीं किया तो भी बातें होगी, यानी कि कुछ भी होने वाला है, इसी के ऊपर हम लोग लगातार गॉसिप करेंगे, क्योंकि शुरू होने वाली है गॉसिप, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी है इस मैटर के ऊपर गॉसिप। पर मनीषा रानी को अगर टैग करते तो क्या होता यार, इन्होंने ना सोचा कि यार छोड़ो परे यार, पता ही चल जाएगा सब लोगों को, यहाँ पर आके लाइक कर देंगे, देख देंगे, छोड़ो परे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।